जी सही, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, अपनी गियर्स की ट्रांसमिशन खुद करती है, कोई अनाड़ी आदमी भी होगा तो ये सुकून से चला सकता है। अरे भाई हम कोई अनाड़ी थोड़ी है, घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं। वैसे ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आ गई है, एक काम करते हैं बैठ के डील कर लेते हैं। ठीक है आ जाए। दादी दादी वो आप अब्बू को क्या बता रही थी थोड़ी देर पहले? बैठ जाओ, बैठ के बात कर लो। हाँ अब बताओ क्या कह रही थी, और देखो कौन सी बात कह रही हूँ, मैंने तो अजहर से बहुत सारी बातें की है। दादी अब अनजान ना बने, वही जो आप रामीन को फोन पर बता रही थी, क्यों आया था उसका फोन और क्या कह रही थी वो? अच्छा हाँ, रामीन पूछ रही थी कि जाज़बा पूछ रही है तुम्हारा कहीं रिश्ता तो पक्का नहीं हुआ वा? ये जाज़बा फुप्पो को अचानक से मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया, पहले तो उन्होंने कभी नहीं पूछा। रामीन की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो तुम्हारे लिए साथ का रिश्ता मांगना चाह रही है। दादी देखिए, दादी मैं ऐसी बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्बा जब पहले भी वो फराज की बात कर रहे थे मैं तब भी उनके खिलाफ थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। और आपने उनकी बात सुनी कैसे, आपने खरी खरी सुना क्यों नहीं दी? लो भला बताओ इसमें रामीन का क्या कसूर है भाई, जो जाज़बा ने कहा वो उसने मुझसे कह दिया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एक तो साद मुझसे तालीम में कम है, और दूसरा मुझे जाज़बा पप्पू की फैमिली के किसी भी फर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो बेहतर यही होगा कि बात इस घर में दोबारा ना हो। तुम दादी प्लीज, अब और नहीं प्लीज। अरे सुन तो लो मेरी बात, लो भला बताओ। अरे मैं क्या अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं जानती नहीं हूँ कहाँ तुम और कहाँ जाज़बा के बच्चे।